अनोखी बात है कि मैंने नहीं, सबने त्यागा, 2 साल सब बंद थे, तो मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ नहीं। ह्यूमन बॉडी एक बहुत अनोखी चीज़ है, तो उसमें उसको स्टडी करना, डॉक्टर जैसे काम करते हैं, वो बहुत शुरुआत से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे इसी प्रोफेशन में काम। ऑन एवरेज 9-10 घंटे पढ़ता था, लास्ट में जाके ये थोड़ा बढ़ गया। ऑब्वियसली मैं सोच के गया कि मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपना बेस्ट देना। एग्जाम के पहले टेंशन लो, एग्जाम के समय टेंशन लोगे क्या करोगे। बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत मेहनत का काम है, इतने इजीली होता भी नहीं है। इसलिए था कि तो स्कूल टाइम से थोड़ा ये था कि बनना है, तो इसके दिमाग में था कि अच्छा हमको तो डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन करना। रात भर सोया नहीं हम लोग, रिजल्ट के इंतजार में, खुशी खुशी के आंसू है, बिल्कुल अंदर की खुशी। एक बेटे का सक्सेस होना, रिसर्च करेगा, कोविड जैसी चीजों को सामने लाएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ समाज को कंट्रीब्यूट करेगा। नमस्कार, मैं हूं निखिल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ अक्षत रंजन है, जिनका नीट एग्जाम में 700 नंबर आया। खुश कितना है ये बताइए। बहुत खुशी है, 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था, तो फाइनली रिजल्ट आ गया, तो बहुत खुश हूँ। और जर्नी कैसा रहा, क्योंकि मुझे लगता है हर चीज़ त्यागना पड़ता है इस मुकाम पर जाने के लिए। अनोखी बात है कि मैंने नहीं, सबने त्यागा, 2 साल सब बंद थे, तो मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ नहीं, तो मैं अपने आप को उस तरफ मैंने अपना एडवांटेज निकाला कि ऐसे त्याग सबको करना पड़ रहा है। जुनून क्या था, मतलब कि नाम क्या गया, डॉक्टर लिखवाना है या कुछ। डॉक्टर ह्यूमन बॉडी एक बहुत अनोखी चीज़ है, तो उसमें उसको स्टडी करना, डॉक्टर जैसे काम करते हैं, वो बहुत शुरुआत से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे इसी प्रोफेशन में काम करना। कब सोचे थे कि डॉक्टर बनना ही बनना। थ्रू आउट, बहुत पहले स्कूल में डिसाइड हो गया था। थ्रू आउट स्कूल से पढ़े, सेंट माइकल से पढ़े। और सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का रहा। आकाश, मैंने आकाश में एनरोलमेंट लिया था, मेरे सब्जेक्ट्स के जितने भी टीचर्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और पेरेंट्स ने घर पे सपोर्ट किया। सबसे मज़ा किस सब्जेक्ट में। बायो। हाँ, जूलॉजी में। हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं। और हॉबीज़ क्या क्या हैं आपके, मतलब पढ़ाई के अलावा और क्या अच्छा लगता है। हॉबीज़ में मुझे खेल में रुचि है, चाहे वो देखना हो चाहे खेलना हो। कौन सा गेम। सारे, मुझे किसी भी तरीके का खेल, कुछ भी नहीं, खेल कुछ भी चलेगा। हाँ, कुछ भी चलेगा, फुटबॉल में ज़्यादा रुचि है, बट कुछ भी चलेगा। और कितने घंटे पढ़ाई करते थे, सबसे बड़ा सवाल। ऑन एवरेज 9-10 घंटे पढ़ता था, लास्ट में जाके ये थोड़ा बढ़ गया ऑब्वियसली। और प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, क्योंकि प्रॉब्लम तो सब चीज़ में आता है, आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये आई कि क्योंकि मैं घर पे था, तो बाकी लोग का क्या परफॉर्मेंस है, मेरे रिलेटिव, वो मुझे उतना मिल नहीं रहा था किसी से, तो पता नहीं चल रहा था। बट उसमें मैंने सोचा कि जितने भी लोग हैं सब मुझसे बढ़िया ही कर रहे हैं, इसलिए मुझे उनको हराना है, मतलब उनसे बेहतर करना है, तो बेहतर करना। हाँ, ऑल इंडिया रैंक आपका 64 है, जब आप देखे स्क्रीन पे कि भाई 64 रैंक आ गया, तो कैसा लगा था। हाँ, बहुत खुशी हुई। सोचे थे कि नहीं सोचे थे। हाँ, सोचा था मैंने एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, बट हाँ सोचा था कि अंडर 100 तो पक्का आ जाएगा, और बेहतर भी हो सकता था। 720 में 700 लाना बहुत बड़ी बात होती है। वो तो मैंने शुरुआती 700 का टारगेट, 700 के ऊपर तो टारगेट ले ही के चला था शुरुआत से, कि किसी भी तरह उसमें, स्पेशली जब पिछले 2 साल का रिजल्ट देखा, उसके बाद तो आगे का क्या सोचें। आगे का जब समय आएगा तब मैं सोचूंगा, अभी मैंने ज्यादा अभी नहीं सोचा। फादर क्या करते हैं। फादर मेरे इंजीनियर। मदर हाउसवाइफ है। और मम्मी पापा भी शुरू से सोचते थे डॉक्टर बनाना है कि सोचते थे कुछ और। नहीं, मदर फादर भी मेरे यही सोचते थे कि इसी प्रोफेशन में जाना सही है, इसी प्रोफेशन में जाना सही है। और वो रिएक्शन, वो जो था जब 64 रैंक जब स्क्रीन पे आया था, तो सब लोग साथ बैठे थे कि आप बस अकेले छुप के देख रहे थे, भाई पहले देख लेते हैं उसके बाद मम्मी पापा को बताएंगे। नहीं, सब लोग साथ में थे, सबके चेहरे पे नींद थी। रात को 12 बजे के आसपास रिजल्ट आया, तो सब लोग लैपटॉप में बैठे होंगे कि भाई, तो फिर वो हुआ, तो फिर मुझे भी बहुत खुशी हुई, और फिर थोड़ा सोचने लगा कि ये हो जाता तो वो हो जाता, लेकिन खैर वो अलग बात है। अभी भी दिमाग में आया था कि मतलब 64 रैंक आया, फिर भी दिमाग में था कि काश ये हो जाता वो हो जाता, मतलब कि और थोड़ा सा वो तो उम्मीद और थी। हाँ, खुश है ना। हाँ। सबका प्यार मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि पूरे पटना में सब लोग आपको अब जानेंगे कि कोई है। धन्यवाद। लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, देखिए नीट में बहुत समय लगता है, किसी को मुकाम हासिल हो जाता है, किसी को नहीं होता है, आपके भी फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग का नहीं हुआ होगा, उनको क्या बोलना चाहेंगे, और उनके साथ जो आपको देख रहे हैं उनको क्या बोलिएगा। मैं बोलूँगा कि आप ऑफलाइन टेस्ट देते रहें, और आप NCERT बुक्स पर फोकस करें, और एग्ज़ाम के दिन आप क्या करते हैं उस पर भी बहुत मैटर करता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हल्के 5 मार्क्स से पीछे रह गए, 10 मार्क्स से पीछे रह गए। आप क्या किए थे एग्जाम में जाने से पहले, जब लिखने वाला दिन था उस दिन क्या किए था एग्जाम में। मैंने सोच के गया कि मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो
में भी मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपना बेस्ट देना। मैं ये सोच के गया था, एकदम चिल मोड में गए थे कि थोड़ा टेंशन वेंशन था नहीं, टेंशन रहता तो फिर ये आता भी नहीं। अच्छा, टेंशन था ही नहीं, मतलब कि जो लोग कहा करते हैं कि एग्जाम में टेंशन मत लिया करो, वो आप एग्जाम के पहले टेंशन लो, एग्जाम के समय टेंशन लोगे क्या करोगे? एग्जाम के पहले टेंशन लो, लेकिन तैयारी करने के लिए। एक रात पहले या उसके थोड़े से पहले? नहीं, और पहले, उस एक रात पहले नहीं, और पहले। हाँ। उस दिन नहीं। हाँ। उस दिन कोई उस दिन टेंशन लेके कुछ नहीं होगा, उस दिन कोई नहीं। और आपके भाई बहन भी? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है। छोटा भाई, उनका भी क्या सपना है? सेम डॉक्टर? नहीं, उसका दूसरा सपना है, वो वही बता पाएगा। चलिए, इनकी माँ भी यहाँ पे हैं, और सबसे बड़ा रोल, चलिए पापा का तो होता ही है, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, तो कैसा लग रहा है आपका बेटा? बहुत, 64 रैंक। हाँ, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। सोची भी मतलब अच्छा था शुरू से, तो अच्छा तो सोचे ही थे, ये तो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देना था। कभी बोला नहीं पड़ा ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा, उसको अपना सीरियस तो स्टडीज में था, शुरू से था। हाँ, तो आप चाहती थी कि शुरू से ये डॉक्टर बने? हाँ, ये तो ड्रीम था हम लोग सबका कि डॉक्टर बने, क्योंकि एक वो जुनून होता है सबका, मम्मी पापा का हो या बेटा का हो, कि क्या नाम है तो डॉक्टर, ये नाम, ये डॉक्टर नहीं, ऐसा डॉक्टर नेम का नहीं, बट डॉक्टर बनने ही बहुत बुरी बात है, लोगों को सेवा करना। हाँ, तो बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत मेहनत का काम है, इतने इजीली होता भी नहीं है, इसलिए था कि, तो स्कूल टाइम से थोड़ा ये था कि बनना है, तो इसके दिमाग में था कि अच्छा हमको तो डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन करना है, मतलब नीट। हाँ, नीट हमेशा से था। आप लोग भी तैयार होंगे? वेट नहीं था कि कोई और चीज़ भी देना है, मतलब इसने तो मैथ्स तक नहीं लिया कि नहीं, मेरे को बस यही फोकस, यही फोकस। देखिए, खुशी ये होता है, देखिए साइड में इनके फादर खड़े हैं, नाम भी जानेंगे, प्रोफेशन भी जानेंगे, तो इंजीनियर हैं आप, नाम क्या हुआ? शशि रंजन जी। बेटा आपका इतना, मतलब 700 मार्क्स बहुत मायने रखता है, बहुत 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 गर्व की बात है। इसका मेहनत बहुत फोकस्ड था, शुरू से फोकस था, कभी अपने टारगेट को डिसलोकेट नहीं होने दिया, और उसने मेहनत की। कभी डांटना पड़ा कि नहीं डांटना पड़ा पढ़ने के लिए? कभी नहीं, बल्कि हमको बोलना पड़ता था अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट। आज मुझे लग रहा है ये जो आंख थोड़े नम दिख रहे, वो तो खुशी के। रात भर सोया नहीं हम लोग, रिजल्ट के इंतजार में, खुशी की आंसू है, आंसू भी निकला, मैं बहुत इमोशनल हुआ, और इसका सपना था। बहुत बहुत बहुत, मुझे लग रहा है कि ना मैं जान पाऊंगा, ना जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जान पाएंगे, वो आप जान पाएंगे। बिल्कुल, अंदर की खुशी, एक बेटे का सक्सेस होना क्या होता है वो मैं जान। से चाहते थे कि डॉक्टर बने बेटा? हाँ, मैं बचपन से इसको, वेरी फर्स्ट ईयर से मेरा था कि, और ये और ऐसा तो नहीं कि मतलब डॉक्टर में भी अलग अलग वैरायटी होता है, उसमें तो कोई वो डिमांड नहीं, नहीं, नहीं। किसी में भी सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, देश से बड़ा कुछ नहीं है, ना बाहर जाना है, एक्टिव डॉक्टर बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, रिसर्च करेगा, कोविड जैसे चीजों को सामने लाएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ समाज को कंट्रीब्यूट करेगा। रात में 12 बजे जब आप लोग बैठे हुए थे रूम में, लैपटॉप पे देखा जा रहा था, तो जब पॉपअप हुआ कि बेटा को 64th रैंक है, तब वाला फीलिंग मैं जानना चाहता हूँ। वो सर, वो फीलिंग, डबल डिजिट का रैंक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। डबल डिजिट में आना मतलब 18 लाख बच्चों में, अगर ये डबल डिजिट में आ रहा, और 18 लाख बच्चों में, 18 लाख का बेटा यहाँ जो इंटरव्यू दे रहा है लोगों को, उसका रैंक है 64, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसने जो भी क्वेश्चन किया 100% किया, इसको 5 क्वेश्चन नहीं आते, मैं बच्चों को वही बोलूँगा, नहीं आते थे उस नेगेटिव मार्क है, छोड़ दिया इसने। और जितने क्वेश्चन, बहुत बिजी रहते होंगे, तो कैसे समय दिए अपने बेटे को? सर, मैं पिछला 2 साल पूरा इसके लिए डेडिकेट किया, मेरे परिवार के सभी लोगों ने, मैं अपना जॉब 50% कर दिया था इसके लिए, कि ये आधा टाइम ही अपने काम को देते थे, आधा से भी कम देता था, ये प्रायोरिटी है, इसके बाद मैं बहुत कुछ कर लूँगा, इसको बनाना था और वो कर दिया। चलिए, देखिए मॉम डैड से भी हमने बातचीत किया, और जिनको रैंक आया 64th, उनसे भी हमने बातचीत किया। देखिए, नीट एग्ज़ाम है, 64th रैंक लाना बहुत बड़ा बात होता है, मेहनत भी जान गए, जर्नी के बारे में भी बता दिया उन्होंने, और साफ यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, और स्माइल आपको दिख रहा होगा, वो लोग बधाई दिए इसलिए उनके गले में अभी माला है, और मॉम डैड इधर साइड से फोटोज़ ले रहे हैं, ग्रीटिंग्स ले रहे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और पापा जो हैं यहाँ पे, इनका जो खुशी था वो आपने देख लिया, और कैसे बता रहे थे सब चीज़ वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।